हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं आज के आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं बीकॉम सेम फाइव के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आप ये वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बिना पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं एग्ज़ाम मैं इम्पोर्टेंट जो भी सम्स है उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, तो वीडियो को देखना ना भूले दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेम फाइव स्टेटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 और सम नंबर 4। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सम नंबर फोर के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सरेराश हमारे पास 3 टैक्सी है और दो से ज़्यादा टैक्सी हमारी यूज़ नहीं होती और दो से ज़्यादा टैक्सी हमारी यहाँ पर यूज़ नहीं होती। तो और हमें यहाँ पर दिया गया है e-3 इज इक्वल टू 0.0498। तो अब हम समझते हैं आगे हम यहाँ पर, तो देखिए सम नंबर 4 ये जो सूत्र है वो आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। सूत्र है प्रॉप एक्स बराबर e-m(x)^(x)^(x)^। तो m बराबर हमारे पास 3 टैक्सी है और 2 से ज़्यादा हमारी टैक्सी यूज़ नहीं होती, तो हमें प्रॉप 0, प्रॉप 1 और प्रॉप 2, ये 3 चीज़ हमें यहाँ पर ढूंढनी है और उसको सूत्र में रखना है। 2 से ज़्यादा टैक्सी यूज़ नहीं होती तो हमें उसकी गणतरी हमें नहीं करनी, जो टैक्सी हमारी यूज़ होती है उसका ही हमें यहाँ पर गणतरी करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सूत्र को समझ लीजिए, प्रॉप एक्स बराबर e-m(m)^(x)^(x)^। तो यहाँ पर m बराबर हमें 3 यहाँ पर दे दिया है। चलिए अब हम यहाँ पर सूत्र में रकम रख देते हैं। सबसे पहले हमें ज़ीरो का देखना है, तो प्रॉप 0 इज इक्वल टू e-3 अपॉन 0.3^0। तो देखिए ये हमें प्रॉप 0, तो प्रॉप 0 एक्स की जगह पर हमने 0 रखा और ये m की जगह पर हमने यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो e-3 अपॉन 3^0। तो ये e-3 है, इसकी हमें रकम सूत्र में दे दी है। मैंने आपको बताया e-3 इज इक्वल टू 0.0498 यहाँ पर हमें दे दिया है। और इसके बाद 3^0, दोस्तों किसी भी संख्या की 0 होगी तो वो 1 ही आ जाएगा। किसी भी संख्या की 0 हो या तो फिर भागाकार हो, आंसर हमेशा 1 आता है। तो 0.0498 × 1/1, इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0498। इसी तरह हमें ये वाला देखना है, प्रॉप 1 इज इक्वल टू e-3 × 3^1। अब यहाँ पहले हमने यहाँ पर 0 लिया था, अब हम यहाँ पर 1 लेते हैं, तो इसकी घात भी हमें 1 ही लेनी है। तो e-3 × 3^1/1। तो e-3 बराबर हमें यहाँ पर दिया है 0.0498। सब में जहाँ जहाँ भी 0.3 आता है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें यही लेना है 0.0498 × 3^1, मतलब 3 ही आएगा, अपॉन 1^1, तो आंसर 1 आएगा। तो हम यहाँ पर 0.0498 × 3/1, तो हमारा यह आंसर आ जाएगा 0.1494। इसके बाद हम देखते हैं 2, हमने यहाँ पर 0 लिया, 1 लिया और अब यह है 2। तो प्रॉप 2 बराबर हम यहाँ पर सूत्र में उसकी कीमत रख देते हैं e-3 × 3^2/2 0.0498
ये हमें यहाँ पर e माइनस थ्री बराबर दिया है 0.0498 इंटू थ्री की 2 घात, तो 3 × 3 इज़ इक्वल टू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.2241। इसी तरह ये हमने तीनों ढूंढ लिया, प्रॉप 0, प्रॉप 1 और प्रॉप 2, तो ये तीनों का हमें प्लस करना है। तो ये वाला एक, ये और ये तीनों का हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4233। चलिए मैं आपको बता देता हूँ सब में बुक्स में हमें क्या आंसर दिया है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आंसर हमारा है 0. ये तीनों का प्लस करके हमें यहाँ पर बताया है प्रॉप 0 प्लस प्रॉप 1 प्लस प्रॉप 2 इज इक्वल टू 0.4233। ये हमारे यहाँ पर आंसर आ चुका है। इसके बाद एक और सम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सम नंबर 5। यहाँ पर दिया गया है कि दीवासड़ी की संभावना 1/100 और कुल पेटी कितनी है हमारी, यहाँ पर कुल 50 पेटी है और उसमें सबसे पहले 0 ढूंढना है, 1 ढूंढना है और 2 ढूंढना है। इसमें भी वही मेथड अप्लाई, सेम एज इट इज ऐसा ही सम है, सिर्फ यहाँ पर हमें 100 संभावना और 50 पेटी हमें यहाँ पर दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं सम नंबर 5, एम बराबर एन इंटू पी। तो हमें यहाँ पर 2 संख्या दी है, एक एन दिया है और एक पी दिया है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 1/100, तो ये हमारा आंसर आएगा 0.5। तो अब हम सूत्र आप देख लीजिए ध्यान से, प्रॉप एक्स बराबर ई माइनस एम एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पर सूत्र में उसकी रकम रख देते हैं, पहले 0 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रॉप 0 इज इक्वल टू ई माइनस 0.5 × 0.5 की 0 घात अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो ई माइनस 0.5 हमें यहाँ पर दे दिया है 0.61 इंटू 0.5 की 0 घात, हमें से 1 ही आती है और 1 फैक्टोरियल, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 0.061। इसे हमें टकावारी में लेना है तो इंटू 100 करेंगे हम, तो यहाँ पर 6.61% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हम प्रॉप 1 का देखते हैं, तो सेम ऐसा ही है, ई माइनस 0.5 की 1 घात, अब हमें 1 लेना है, पहले हमने यहाँ पर 0 लिया, अब हमें यहाँ पर 1 लेना है। तो ई माइनस 0.5 की हमें कीमत दी है 0.61 और 0.5 × 1, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 30.5%। इसे भी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम देखते हैं प्रॉप 2 बराबर, अब हम यहाँ पर 2 देखेंगे, तो ई माइनस 0.5 × 0.5, अब हमें यहाँ पर 2 लेना है अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ई माइनस 0.5 हमें यहाँ पर दिया है 0.61 × 0.25 / 2 फैक्टोरियल, तो हमारा ये आंसर आएगा 0.7625। इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.265। दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और आपके लिए भी, आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूँ, तो दोस्तों लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें नई अपडेट्स के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।